आपको वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट लेना है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा, तो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एचसीएल बन जाता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग है, दिस वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये आपके वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपके आयनाइज हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइजर। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो यहां पर हमें वाटर्स लेने लिए लेंगे, क्योंकि ये वाटर जो है इसकी कंसेंट्रेशन हम यूनिटी मानेंगे, क्योंकि ये सॉलिड ही तरह बिहेव कर रहा है, और यहां पर आपके 2 किलोग्राम और भी होंगे, और यहाँ पर आपके 2 किलोग्राम और भी है कि एचआईएन और वाटर का, और दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वहां पर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इन दोनों सब पर लॉग वन सेक्शन लगाया था हम लोगों ने, और इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको आपने मान लिया 2, इसको मान लिया 3। अब इन तीन इक्वेशन को इस तरीके से रीअरेंज करना है कि आपका 1 आ जाए, तो 1 लाने के लिए क्या करें सोचिए। अब जब आप इसको 1 ले आएंगे तो जो है क्या करना होगा पड़ेगा हमें, ठीक है, दूसरा वीडियो को यहीं स्टॉप करके आगे के डेरिवेशन खुद बनाने की कोशिश करिए एच का और पीएच का, उसके बाद जो है फिर सॉल्यूशन को देखिए। तो आपका पीएच इंटू केवी डिवाइड बाय केडब्ल्यू इसी वस्तु बना जाएगा, ठीक है, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए सबकी, कि आपने क्या करा इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एच आई, ठीक है, एन एच फोर पॉजिटिव है इंटू एन एच फोर पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, और इसमें डिवाइड कर दिया आपने वाटर के डब्ल्यू की सब बना गए, तो आपका पीएचसी का सब क्या फॉर्मूला आ गया KW over K। तो जैसा हमने पिछले डेरिवेशन में करा था वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालेंगे और ये निकालेंगे, बस थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन में चेंज आए। तो आपकी यदि अमोनियम क्लोराइड की कंसेंट्रेशन सी है तो इसकी भी सी होगी, ठीक है, टी बराबर 0 पर नहीं मान सकते हैं, ठीक, और इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सेम ही होगी आपकी, तो आपका जो है यहाँ पर भी 8 किलोग्राम यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन होगी C1-H, ये सी एच बस भी सी एच, तो इस पर आप वो लगा लीजिए लाओ मास एक्शन अपना, तो के एच इज इक्वल्स टू एन एच फोर ओ एच आपने वैल्यू बुक कर दी,
सकते हैं। तो आपने वैल्यू पुट करी सी एच एन जो सी एच और अमोनियम के सी इंटू वन माइनस एच, तो वन माइनस एच को वन मान लिया तो आपका पी एच इज इक्वल आ गया सी एच स्क्वायर, यानी कि एच इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका पी एच ओवर सी का स्क्वायर। और पी एच की वैल्यू यहाँ से आपने इस इक्वेशन में पुट कर दे तो एच इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला पी एच इंटू के बी के डब्ल्यू सॉरी इंटू के बी इंटू सी का स्क्वायर, आपका एच का फार्मूला आपका तैयार हो। तो अब हमारे को पी एच को कैलकुलेट करना है, पी एच इज इक्वल टू आपको हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन क्या है आपकी दैट इज सी एच, तो एच की वैल्यू यहां रख देते हैं ये ब्रैकेट में जाएंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा सी से सी कैंसिल, तो आपका एच आई एन की वैल्यू क्या जाएगी आपकी सी इंटू के डब्ल्यू पावर वन आई। तो पी एच निकालने के लिए आप फिर से माइनस का वॉल ले हाइड्रोजन आयन का, तो पी एच इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू लॉग के डब्ल्यू, और ये जो है माइनस का प्लस हो जाएगा लॉग के बी माइनस लॉग सी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये आपका हाफ पी के डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह आप आगे चल के क्या रख लेंगे सेवन रख लेंगे प्लस, और इसको आपने माइनस वन कन्वर्ट करना है तो दो माइनस लगा दें तो ये जो आपका सेवन हो गया, और ये आपका माइनस वन बाई टू पी के भी हो गया। अब इसको इधर माइनस को बैक में ले रहे प्लस में जाएगा आपका लॉग, तो ये आपका पी एच का फॉर्मूला आपका तैयार, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप जो है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट भी जो है आप पीएच को कैलकुलेट कर सकते। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इन द हाइड्रोलिटिक इक्विलिब्रियम बी पॉजिटिव प्लस एच टू ओ इज टू बी ओ एच प्लस एच नेगेटिव, तो ये जो है आपका जो उसका सॉल्ट होगा दैट इज वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोलिसिस आपके अचानक सारे, तो इसमें हाइड्रोलिटिक कॉन्स्टेंट के एच इजिकल्स टू क्या होता है के डब्ल्यू ओवर के बी, तो आप वैल्यू रख दीजिए 10 की पावर माइनस 14 डिवाइड बाय 10 की पावर माइनस आपका 5, तो आपका आ जाएगा 10 की पावर माइनस 9, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सो ये आपका क्वेश्चन है कि आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 1.77 × 10⁻¹¹, तो अमोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट क्या, तो आप ये समझ सकते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट और तक क्या है का हम इसको हम के बी भी कह सकते हैं, और आपका अमोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस जो होगा ये होगा ठीक है ना, और इसको आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एन एस फोर पॉजिटिव प्लस एस टू एन एस फोर ओ एच प्लस एच पॉजिटिव,
ठीक है, तो आपका जो pH है that is equals to NH4OH, H positive over ammonium ion. और एक वाटर का भी है आपका, कि आपका एच आई एन ओ एच आई एन के डब्ल्यू एच आई एन इंटू ओ एच आई एन. तो आपकी ये मान लो इक्वेशन जो है फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है और ये आपकी थर्ड है. तो आप वन इंटू अपना जो है टू कर दें, ठीक है, डिवाइड बाय थ्री कर दें, बना जा रहा है नहीं ट्राई करके देखें. प्लस आठ हाइड्रोलिसिस ये है, तो आपका फार्मूला रहेगा के एच इंटू के बी ओवर के डब्ल्यू इज इक्वल टू वन, यानी के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू ओवर के बी. तो इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको क्या रखती है 10^-14 डिवाइडेड बाय आपका 1.77 × 10^-5. इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी 5.65 × 10^-5. तो ये आपका करेक्ट दिस द. सो ये क्वेश्चन है कि फोर सॉल्यूशन है, फोर सी के वन मोलर, पॉइंट वन मोलर, 0.1 मोलर एंड 0.01 मोलर. तो इनकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H1, H2, H3, H4 है, तो इनमें क्या रिलेशन होती, कौन सी ग्रेटर कौन सी लेटर होंगी. इसमें आप लोग जानते हैं कि भाई ये होता है H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के डब्ल्यू ओवर के बी इंटू सी. तो एच इज इनवर्सली टू रिलेशन. तो आपका यदि डिग्री कंसेंट्रेशन कम होगी तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी. तो इसलिए आपका सी ऑप्शन है, H1 इज 4 इज ग्रेटर देन H3 इज ग्रेटर देन H2 इज ग्रेटर देन. तो आयनिक इक्विलिब्रियम एक मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है IIT के हिसाब से, जिसमें आपके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर या एसिड्स के डिसोसिएशन पे या पीएच पर या जो है आपके बफर सॉल्यूशंस पर या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, हजाली आते हैं. तो लेकिन नॉर्मली बच्चे इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये IIT के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है.